सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण हम लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे। हमने ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की सीरीज चलाई हुई है उसमें हमारा ये दूसरा लेक्चर है। हमने इससे पहले लेक्चर में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट किया था और ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का लास्ट क्लास है। इसमें हमने 26 क्वेश्चन कर लेते हैं, आज हम 27 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए। देन स्टार्ट। ओके, अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। हमने ये क्वेश्चन देखा, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इसमें क्लोजिंग करने की क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दी है और इसमें अगर हम यहाँ पे ग्रुप को देखें तो दोनों अपोजिट दिए हैं, तो अपोजिट और यहाँ पे 6π इलेक्ट्रॉन, तो 6π थर्मो में क्या होता है, डिस होता है, तो ODC यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सिस। तो कुछ इस टाइप से मैं दोनों को अबव द प्लेन या दोनों को बिलो द प्लेन लगाता हूँ, जो भी आपकी इच्छा है वो आप लगा सकते हो। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये क्वेश्चन हमने पहले करा भी दिया था आपको। देखो ये कह रहा है, नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन होमो, होमो में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने प्रेजेंट हो गए इन 1, 3, 5 हेक्साट्राइन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में पूछा है, यानी कि यहाँ पे इसने थर्मल कंडीशन दी है, एक्साइटेड स्टेट में पूछा तो फोटोकेमिकल कंडीशन थी, ठीक है ना, थर्मल कंडीशन में पूछा है, होमो पूछा है हेक्साट्राइन में। तो आपको पता है थर्मल कंडीशन में N/2 होमो होता है और यहाँ पे 6 हेक्सा दिया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6/2 दैट इज 3 यहाँ पे क्या होगा, होमो होगा Ψ3। तो Ψ3 हमने होमो निकाल लिया। अब आपको पता है 3 - 1 क्या होता है, नंबर ऑफ नोड होगा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ नोड कितना आ गया 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड हो जाएंगे 2, ऑप्शन हो जाएगा बी। बोलो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आपका 29th क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया, जस्ट वेट अ सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन में आप देखोगे पहले ये कुछ कंपाउंड था और फिर इससे ये बना और यहाँ पे कुछ ए कंडीशन थी, फिर बी बना और ये बी कंडीशन है, तो आपको ये और बी कंडीशन बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो, अगर मैं पहले कंपाउंड की बात करूँ तो इसमें आपके टोटल 4π सिस्टम है और यहाँ पे देखो दोनों ग्रुप सेम साइड में लगे हैं, तो ये हो गया एस, ठीक है ना, और 4π, और यहाँ पे क्या हो गया आपका ट्रांस हो गया, तो एस और यहाँ पे टी, ठीक है ना। आप ऐसा बताओ जो S और बाद में T आता हो, तो SDT यहाँ पे क्या जाएगा, D, और डिस किस में होता है, 4π के, 4π के फोटो में डिस होता है, तो 4π फोटो डिस होता है, तो यहाँ पे फोटो कंडीशन आ जाएगी, यानी कि A फोटो हो जाएगा, तो फोटो इसमें भी है, B में भी, और फोटो C में भी है, A और D तो कट गए भाई, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिंग क्लोजिंग हुआ, अब इधर क्या होगा, फिर से रिंग क्लोजिंग होगा, फिर से रिंग क्लोजिंग करा रखी है, क्योंकि देखो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपको, ये यहाँ पे जाएगा यहाँ पे, और एक 4-मेंबर रिंग बन जाएगी, तो 6π इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे दोनों ग्रुप कैसे दिए हैं, अपोजिट दिए हैं, तो ओ और यहाँ पे ट्रांस सिस दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सिस बनी है ना नई स्ट्रीमेंट्री सिस, तो ODC यहाँ पे डिस होगा, और 6π डिस किस में होता है, 6π डिस होता है थर्मो में, तो थर्मो में यही दिया है, तो ए फोटो और बी थर्मो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आई होप आप कर लोगे। देखो इस क्वेश्चन को आपको खुद देखना है, इसमें भी आपको कंडीशन बतानी है, देख लेना, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और रोटेशन बताना है, इस वाले को भी आप कर लोगे, इस मैंने अभी बताया, आप यहाँ देखोगे क्या है, ये ई है और ये भी ई है, दोनों ई है, तो अपोजिट होगा, आप कर लोगे, और यहाँ पे सिस दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ पे आपको ट्रांस कंडीशन दी हुई है, तो और यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री है, तो आपको ओपन ही करना है, ओपनिंग करना है, ट्रांस दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है, और 4π इलेक्ट्रॉन यूज करना है, तो 4π हीट में क्या होता है, कौन होता है, अब आपको कर लेना है, ठीक है ना, TC, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा, OCT कर लोगे, अपोजिट बन जाएगा, कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर लोगे, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, आप कर लोगे एक बार, देख लेना, और यहाँ से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन है, ये भी नेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीड्स थ्रू टू कंस्ट्रक्टिव इलेक्ट्रोसाइक्लिक प्रोसेस विच आर, देखो वो प्रोसेस बताने हैं जिन प्रोसेस से गया है। देखो जनरली मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी से बताता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे आपका हुआ होगा रिंग ओपनिंग, ठीक है ना, रिंग ओपनिंग हुआ होगा, फिर जो सबस्ट्रेट बना होगा उसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पे एक यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ क्या बना होगा पहले वाले में,
ये बना होगा, ठीक है ना, और फिर उससे बाद में क्या होगा, रिंग क्लोजिंग हुआ होगा, ये ऐसे आया होगा, ये से ये ऐसे, तो वो आपको बताना है, आप बताना है, देखना है, ऑप्शन बताना है यहाँ पे कौन सा हुआ है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको ये टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, मैंने 34 क्वेश्चंस कराए हैं, आई होप, और ये क्वेश्चंस इनफ है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लेक्चर को एंजॉय कीजिए एंड चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।